मैं कल्पेश उपाध्याय कल्पेश एस्ट्रो सर्विस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। राहु और केतु का जो भ्रमण हो रहा है, जैसे राहु का भ्रमण कर्क राशि में और केतु का भ्रमण मकर राशि में हो रहा है, उसके बारे में आज मैं अपनी तरफ से आपको जो बताता हूं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा मित्रों। आज हम बदलते हुए राहु और केतु का ट्रांजिट देखेंगे। राहु कर्क राशि में जा रहा है और केतु मकर राशि में जा रहा है। जो अब तक सिंह राशि में राहु और कुंभ राशि में केतु चल रहा है। हम राहु केतु का विवरण इस टाइप करेंगे, ऐसा नहीं कि एक राशि से हम देखेंगे या लग्न से देखेंगे, लेकिन इसके साथ राहु का गोचर अपनी कुंडली के राहु से कहा जा रहा है यह भी देखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ आपकी कुंडली के अंदर दूसरे प्लेनेट जैसे गुरु ग्रह है, सूर्य ग्रह है और आपका राशि जो है उसका जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र का लॉर्ड भी देखना पड़ता है। यह सब देख के जब राहु और केतु का ये 1.5 साल का प्रिडिक्शन किया जाए तो सही मायने में सटीक साबित होता है और सही निकलता है। तो मित्रों, अलग अलग जैसे बोलते हैं ना कि शनि का गोचर हो, राहु का गोचर हो, मंगल का गोचर हो, गुरु का गोचर हो, किस प्रकार वर्क करता है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम राहु का कर्क राशि में और केतु का मकर राशि में। तो अब हम आज जो राहु केतु की बात कर रहे हैं उसमें दूसरा राशि है वृषभ राशि। मित्रों, वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के लिए यह प्रिडिक्शन काम करेगा। वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ राशि की बात करें तो राहु थर्ड हाउस के अंदर जा रहा है और केतु नाइन्थ हाउस के अंदर, यानी तीसरे भाव के अंदर राहु है और नौवे भाव के अंदर केतु है। तो एक चीज बता दूं कि जो ये राहु जा रहा है तीसरे स्थान में राहु, वो तीसरे स्थान का राहु भाई बहन के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए कार्य करता है। यदि आपके खराब संबंध हुए थे तो उसको सुधारने का समय आया हुआ है। उनके साथ रिश्ता अच्छा कर दो, भाई बहन के साथ, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, तो आपके लिए राहु ये 1.5 साल के अंदर अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दूसरे नंबर में इसी कुंडली के अंदर अब केतु की यदि बात करें तो केतु नवम स्थान के अंदर, यानी जिसको धर्म स्थान बोलते हैं, उस स्थान में जा रहा है। जो अभ्यासी जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है और जो इंसान कुछ नया करना चाहता है उसके लिए भी ये 5वें स्थान से 5वां केतु अच्छा रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। और अभी देखा जाए तो अभी गुरु भी 5वें स्थान से जा रहा है और केतु यदि 9वें स्थान में से जाता है तो गुरु केतु का एक बहुत अच्छा योग तैयार होता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ती है तो विप्र चांदा दोष बोलते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मित्रों, ये आध्यात्मिक योग बोला जाएगा, ये अभ्यास के लिए ज्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय के अंदर वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जो जातक है इसमें भी ज्यादा अभ्यासी जो वर्ग है उसके लिए ये राहु कुछ नया बेनिफिट और अभ्यास में कुछ उन्नति प्रगति करने के योग बना रहा है। दूसरे नंबर में एक दूसरी बात बोल दो कि यह पत्नी स्थान से और पति स्थान से तीसरा केतु है, तो पत्नी और पति स्थान से जब तीसरा केतु होता है तो कोई भी साहस पराक्रम अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए कुछ करते हो तो ध्यान रख के करना, यह आपको बड़ी मुश्किल में ला सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरे नंबर में पति और पत्नी स्थान से राहु नवम स्थान में जा रहा है। जब राहु की वाह नवम स्थान में बैठना होता है तो वो छोटी मुसाफरियां करवाता है, लेकिन ज्यादा लंबी मुसाफरी बनाने के योग बनाएगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें भी पैदा हो सकती है। तो इसमें वृषभ राशि के लिए इतना ही बताऊंगा, वृषभ लग्न के लिए इतना बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर
राहु अच्छी परिस्थिति में बैठा हुआ है और अभी आपकी दशा माल दशा अच्छी चल रही है, तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि आपको ये राहु नेगेटिव इफेक्ट और केतु नेगेटिव इफेक्ट दे सके। आपके लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ो। आपको ज्यादा मेहनत वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों को करनी पड़ती है और आपको मेहनत करना है। समझो कि मेहनत कर दे, आपको 100 में से 40 रुपया भी मिलता है तो उसको 80 समझ के चलो, कभी भी आपको नुकसानी नहीं होगी।